Assalamu alaikum, I am Muhammad Danish Khan, the motivational speaker, corporate trainer, success coach and the counselor. Today I came back with a very powerful topic. हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं, यानी how to convert failure into a massive success. मैंने तकरीबन तमाम बड़ी कंपनीज के CEOs के साथ और कामयाब बिजनेसमैन के साथ सेशंस कर चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, ऐसे गेम चेंजिंग आइडियाज या प्लान्स हैं जो इन कामयाब लोगों में ना सिर्फ यक्षा पाए जाते हैं बल्कि इन्हीं की वजह से ये लोग दूसरों में नुमाया नजर भी आते हैं। तो बेसिकली दो ऐसी बड़ी बातें हैं जो इन तमाम लोगों में यक्षा पाई जाती हैं। एक ये कि कामयाब आदमी उसमें कामयाब होने की चाहत, कामयाबी को पाने की चाहत हमेशा नाकामी के खौफ से बहुत ज्यादा रही है। नंबर दो, और यही सबसे बड़ी वजह भी है नंबर दो जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, कि कामयाब आदमी को शानदार कामयाबी पाने के लिए हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। और दूसरी बात जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कामयाबी को पाने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं अगर हम उनकी बायोग्राफी, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जो एक शानदार कामयाबी पाई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि नाकामी और फेलियर के डर से हम जिंदगी में रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं। हम ये जानते हुए कि जिंदगी में रिस्क ना लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, इसके बावजूद हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं, हम रिस्क लेने में भी फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि किस तरह से हम नाकामी को एक बड़ी सक्सेस में, एक मैसिव सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो लेकिन आपके पास रिसोर्सफुलनेस है। मे यू नॉट हैव रिसोर्सेज बट यू हैव रिसोर्सफुलनेस। आपके पास क्या नहीं है साहब, आपके पास सब कुछ है। अगर आप लोगों से मुखातिब होते हैं और जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप फेल क्यों हुए हैं, तो लोगों के पास अपने फेल होने के बेशुमार जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं। आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, मैं कमजोर था, मेरे पास दौलत नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, या मेरे पास घर नहीं था, या मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये तमाम इस किस्म की बेशुमार रीजंस आपको सुनने को मिलेंगी जो आप बार बार रिपीटली अपनी लाइफ में सुनते हैं। मेरा ख्याल ये है, कोई बात नहीं साहब, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सफुलनेस है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज को जनरेट करने की ताकत है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपके पास टैलेंट को बिल्ड करने की ताकत है। अगर आपके पास मौके नहीं है तो आज दुनिया में जिस कदर मौके मौजूद है, आज से पहले दुनिया में कभी इतने मौके नहीं थे। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो पैसा आज दुनिया का प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको डिटेल से बताता हूं, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आज दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट, इंटरनेट पे मौजूद बेशुमार एंजल इन्वेस्टर्स जो आपके एक आइडिया पे लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मौका आज की दुनिया में मौजूद है। आज से पहले दुनिया में ये मौका मौजूद नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हमारे पास वो आइडिया है, क्या हमारे पास उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की ताकत है, क्या आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है। अगर आपके अंदर ये तीन फैक्टर्स हैं तो आप तैयार हो जाइए, दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पीछे खड़े होंगे आप पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है साहब, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि हम अपनी मनफी सोचों और अपनी मनफी रवैयों से आगे निकल ही नहीं पाते। मसला ये है साहब कि हम हर चीज का डेड एंड कर लेते हैं। हम एक ही काम को बार बार एक ही अंदाज और एक ही तरीके से करते हैं, मगर अलमिया यह है कि उसी काम को एक ही अंदाज और एक ही तरीके से करने के बावजूद हम हर बार रिजल्ट्स की तो मुकम्मल मुख्तलिफ रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी मनफी सोचों, अपनी जहरीली सोचों और मनफी रवैयों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम उनमें खुद फंस जाते हैं, हम उनमें खुद को फंसा लेते हैं और समझते हैं कि अब कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। पर साहब अगर आपने सब सॉल्यूशंस ट्राई कर भी लिए हो, मेरा मानना यह है आप तमाम सॉल्यूशंस ट्राई कर चुके हो, हमेशा एक सॉल्यूशन की गुंजाइश बाकी रहती है। असल में ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये जिंदगी है। मैथमेटिक्स में होता है कि उसमें एक सवाल का एक ही जवाब होता है, लेकिन ये जिंदगी है, इसमें एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि अगर एक सवाल का जवाब आ गया तो सवाल खत्म। पर साहब जिंदगी में अगर आपको एक सवाल का जवाब मिल जाता है जो बरसों फंसा रहे, तो आपकी जिंदगी शुरू हो जाती है, आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। मेरा अगला पॉइंट है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका फोकस किस पर है? अगर आपका फोकस सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पे है
तो आपका डिफिकल्टीज का साइज बड़ा हो जाएगा. अगर आपका फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पे है तो पॉसिबिलिटीज का साइज बड़ा हो जाएगा. उसकी वजह यह है कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से काम करता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग उसको हमें जूम इन करके दिखाता है, उसको बड़ा करके दिखाता है. अगर आपने सोचा कि डिफिकल्टीज ज्यादा है तो आपका दिमाग उसी के मुताबिक आपको तमाम पिक्चर दिखानी शुरू कर देगा कि ये काम मुश्किल है, इसका कोई हल नहीं है. और दूसरा प्रॉब्लम कि क्योंकि हमारी सोचें मुंजमद है, हमारे रवैये ठीक नहीं है, हमारी सोचों में इतनी वसत नहीं है, तो हम उसी के अंदर धंस के फंस के रह जाते हैं. तो मेरा यहां पे मशवरा ये है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बजाय इसके कि सर्कल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर अपनी तमाम तवज्जोहात और सलाहियतें लगाएं, अपने दिमाग को उस पर फोकस करवाएं, बेहतर यह है कि आप उस सर्कल को डायवर्ट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी के ऊपर. यू ही आप सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएंगे, आपका दिमाग उसको जूम इन करके दिखाएगा, आपको तरह तरह की ऑप्शन देगा कि इस मसले से, इस मुश्किल से निकलने के ये ऑप्शन मौजूद है. तो यहां पर मेरा मशवरा आपको यह है साहब कि सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को तलाक दे दीजिए और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज जिनसे आपके मसाइल हल होने हैं उनसे आप शादी कर लीजिए. मेरा अगला पॉइंट है गेम चेंजिंग बिहेवियर, बिहेवियर शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस डेवलप करनी पड़ेगी साहब. ये जानने के लिए कि अभी भी बहुत सारे मौके मौजूद हैं और उन मौकों को इस्तेमाल करके आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी मरतबा आपको बाउंस बैक करना है. मतलब जितनी बार आप गिरेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार आप गिरे आपको क्विकली उठना है, रिकवर करना है, एंड यू गॉट टू बाउंस बैक. प्रॉब्लम फेलियर में नहीं है साहब, फेल होना कोई मसला नहीं है. मसला यह है कि कितनी जल्दी आप अपना फोकस सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से मूव करके सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज के अंदर लेकर आते हैं. तो प्रॉब्लम फेलियर में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात के अंदर है. नो प्रॉब्लम टू हैव डिफिकल्टी, नो प्रॉब्लम टू हैव फेलियर साहब. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जिंदगी में डिफिकल्टी आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम इस बात की है कि आप कितनी जल्दी अपने माइंडसेट को बदलते हैं, कितनी जल्दी अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं. इसको बोलते हैं गेम शिफ्टिंग प्लान, इसको बोलते हैं बिलीफ शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस. आपको क्रिएट करना है, आपको लिखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, क्योंकि जो ही आप राइट डाउन करेंगे कि इस मसले से निकलने के लिए मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, जो आप पॉसिबिलिटीज लिखते जाएंगे आपकी जो डिफिकल्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली एक एक करके डिलीट होंगी. आप एक पॉसिबिलिटी लिखेंगे उसके आगे जो डिफिकल्टी होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. तो प्रॉब्लम इस बात की है कि आप कितनी जल्दी अपने फोकस को, अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करते हैं. मेन चीज भी यही होगी, यही आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फार्मूला और कामयाबी होगी कि आप अपने दिमाग की तमाम सलाहियतों को सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से हटा के सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर लें. सर्कल ऑफ चक्कर ये है, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज के अंदर स्ट्रेटेजी है. आपका फोकस किस पे है, जिस पे आपका फोकस होगा आपका दिमाग उसको जूम इन करके दिखाएगा. अगर आपका फोकस पॉसिबिलिटीज पे है तो वो जूम इन हो जाएगी, अगर आपका फोकस डिफिकल्टीज के ऊपर है तो वो जूम इन हो जाएगी. और अगर आपने पॉसिबिलिटीज को बढ़ा दी, आपने पॉसिबिलिटीज के साइज को बढ़ा दिया, तो जैसे मैंने पहले रिपीट किया है कि खुद ब खुद जो डिफिकल्टी की ऑप्शन होगी वो डिलीट हो जाएंगी और आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत कामयाबी की डगर पे चल पड़ेगी. We can convert any failure into a success. You may not have resources, लेकिन साहब याद रखना है, you may not have resources, but you have resourcefulness. आपके पास ताकत है साहब, आपके पास कुछ भी करने की ताकत है, कुछ भी बदलने की ताकत है, मगर आप भूल जाते हैं. जितनी बार गिरेंगे you got to bounce back. प्रॉब्लम जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम लंबे अरसे तक मोटिवेट नहीं रह पाते. तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन, ये जब आपको मोटिवेट करेंगे तो वो मोटिवेशन हमेशा आपकी आरजी होगी. एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन आपको कभी लंबा मोटिवेट नहीं कर सकते. अच्छा, सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो उस टाइम हमारी सोचों और हमारे रवैयों का है. हमें सबसे पहले अपनी सोचों और अपनी पॉसिबिलिटीज रवैयों के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी सोचें और हमारे रवैये हमारे लिए कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक से ज्यादा खतरनाक अहमियत इख्तियार कर चुके हैं. उसकी वजह यह है कि हम मुकम्मल तौर पे अपनी सोचों इर्द गिर्द अपने दीवार में आ जाते हैं और अपने रवैये और अपनी मनफी सोचों के अंदर ही एक जिंदगी गुजार रहे होते हैं और बाहर की दुनिया से, बाहर की हकायक से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. तो इस वक्त जो सबसे अहम प्रॉब्लम हमारे नजदीक जो है वो ये है कि हम अपनी सोचों और अपने रवैयों के ऊपर प्रॉपरली जो है वो काम करें.
और इसकी एक अहम वजह यह भी है कि मैं आपको बताऊं कि बाहर से आके आपके कैंसर का इलाज तो कोई डॉक्टर कर देगा, लेकिन आपकी मनफी सोचों और रवैयों का इलाज आपको खुद करना होगा, वो कोई बाहर से आके नहीं कर सकेगा, क्योंकि डॉक्टर आपकी नजर का इलाज तो कर देगा लेकिन आपके नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। तो मेरा मशवरा यह है आपको साहब कि आप अपने ऊपर कभी भी अपनी मनफी सोचों या नाकामियों को हावी ना होने दें, बल्कि आप वैसा एटीट्यूड रखें, वैसा बन जाइए जैसा आप लोगों को नजर आना चाहिए। आपके अंदर मौजूद टैलेंट, ताकत, तमन्नाइयां, ये सिर्फ आप खुद जानते हैं कि वो किस कदर आपके अंदर मौजूद है। कोई दूसरा शख्स आपके अंदर से मौजूद आपके टैलेंट को, तवानाई को बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी वजह यह है कि दुनिया का कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, कोई बड़ा उस्ताद, कोई बड़ी किताब आपको कामयाब नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद कामयाब होना नहीं चाहते। डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, देन नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। आप जानते हैं कि बार बार नया काम शुरू करना कोई स्मार्टनेस नहीं है, स्मार्ट काम को स्मार्टली स्टार्ट करना भी कोई स्मार्टनेस नहीं है। एक्चुअली स्मार्टनेस ये है कि आप स्मार्ट काम को स्मार्टली कंप्लीट करें, यही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है आपके लिए। तो एक सबसे अहम बात जो मैं लास्ट में आपको कहूंगा कि आप बार बार फेल होंगे, बार बार आपकी जिंदगी में मुश्किल आएंगी, बार बार आपकी जिंदगी स्ट्रक हो जाएगी, आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, लेकिन क्या है, जितनी बार भी आपने गिरना है सिर्फ एक असूल को याद रखना है, यू गॉट टू बाउंस बैक। इसको अपने पास लिख लीजिए, अपने टैबलेट में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, कंप्यूटर में लिख लीजिए, अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए। इस वीडियो बनाने का मकसद, मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना है कि आप अपने हालात से, अपनी सोचों से, अपने रवैयों से ना सिर्फ उन पे काम करें बल्कि उनसे सीख के उनको दुरुस्त करके आगे लोगों को भी असिस्ट करें। तो मेरा एंड में आप सब दोस्तों को यही पैगाम है कि जितनी बार भी आपने गिरना है आपने वापस उठना है, यू गॉट टू बाउंस बैक। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इफ यू मे नॉट हैव रिसोर्सेज बट यू हैव रिसोर्सफुलनेस, तो इस लेक्चर को आप दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए। और मैं ये आपसे चाहूंगा एक बार फिर एंड पे मैं रिपीट कर रहा हूं कि काइंडली अपने आप को मनफी सोचों और रवैयों से बाहर निकालिए और देखिए कि मौके हर जगह पे आपके लिए बाहें खोल के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।